हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये फ्लावर बनाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो, और इसी फ्लावर से मैं आपको तोरण बनाना सिखाऊंगी। तो आज हम सब में पहले ये दो पार्ट बनाएंगे। देखिए, देख सकते हो, और ये फ्लावर थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। तो इस फ्लावर को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाना है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सब में पहले आपको मिले और मेरे चैनल पर क्रोचेट के नए नए आइडिया आपको देखने को मिले। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आपके लिए मैं क्रोचेट के इसी तरीके के नए नए आइडियाज लेकर आऊंगी। देखिए, तो चलिए दोस्तों, हम ये फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे किस तरीके से बनाना है, और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले 10 चेन बनाना है, सॉरी 11 चेन बनाएंगे हम यहाँ पे। पे हम 2 चेन बनाएंगे, और 1 चेन को हम स्किप करते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, यहाँ पे ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली है। अभी ये जो लास्ट वाला चेन है, इसे हमें ऐसे यहाँ पे ऐसे लूप कर लेना है। और देखिए, इसे में हम इसे ज्वाइन करते हुए जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे, आप देख सकते हो, और हमें वही से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे एंड तक। इस तरीके से आप देख सकते हो, रिवर्स जाना है हमें।
बराबर हम यहाँ पर भी 10 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अगले पार्ट में भी हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया हमारे आने चाहिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे, एक दो। अब देखिए यहाँ पे हमें, देखिए इस तरीके से ऐसे हमको सुई को ऊपर लेना है और फिर अगले स्टिच से हर नीचे की ओर से हमें डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए पीछे के साइड से हम डबल क्रोशिया डालते हुए जाएंगे। देखिए फिर से ऊपर से अगले वाले स्टिच से हम पीछे की साइड से डबल क्रोशिया डालेंगे। ऐसे ही हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखो तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हम 10 पंखुड़ियाँ बनाने वाले हैं। आप छोटा बड़ा साइज में ये फ्लावर बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं और देखिए जहाँ पे हमने ये चेन को लूज किया था वहीं पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशिया डालते हुए जाएंगे आगे की ओर। ऊपर के ओर जाना है हमें सिंगल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे फिर से हम दो चेन लेंगे। फिर से देखिए ऐसे सुई को हम ऊपर निकालेंगे और अगले वाले स्टिच से हम पीछे के साइड से डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए ऐसे ही हम ऐसे 10 पंखुड़ियाँ बनाने हैं हमको। और देखिए इसी जगह पे हम इसे सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करते हुए जाएंगे ऐसे ही। ऐसे हम ये ऐसे 10 पंखुड़ियाँ यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, फिर आगे की स्टेप कैसे करनी है वो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये पूरा राउंड हो गया है। अभी इस धागे को हमें टाइट करना है। यहाँ पे हमें जॉइन करना है। देखिए ये दोनों पार्ट को एक साथ अब इसे ज्वाइन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया डालते हुए आए थे। देखिए और फर्स्ट स्टिच में हम ये डालेंगे इस तरीके से। और ये बराबर से ऐसे हमें ज्वाइन करना है। दोनों एक साथ
देखिए आखिर तक ऐसे ही ज्वाइन करना है हमें। अभी ज्वाइन करने के बाद में हमें देखिए ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया डालना है। देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे, 5, और अगले वाले इसमें हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। ऐसे पूरे राउंड में हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए ऐसे पूरे राउंड में हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे, 5 5, और ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे ये फ्लावर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम ऊन को कट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम ऊपर का लिप बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले मैजिक रिंग डालेंगे, और उस मैजिक रिंग में हमें 14 यानी 14 डबल क्रोशिया डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया डालेंगे इस मैजिक रिंग में 14। इस धागे को हम खींच के टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हमें लिप तीसरे से ज्वाइन करना है। देखिए अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। देखिए फर्स्ट वाले स्टिच को छोड़ते हुए अगले वाले स्टिच पे हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर से डबल क्रोशिया यानी सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, और 2 बार 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। अब यहाँ पे 1 2 स्टिच छोड़कर 3 नंबर के स्टिच के ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है यहाँ पे फिर से हम 5 चेन बनाएंगे।